बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे TST नेशनल। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम, इवनिंग बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी से बैनुल-अक़वामी तिजारत असरअंदाज, कई चीनी कंपनियां भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में। अरवनी बिजबारा में CRPF बैंकर पर ग्रेनेड हमला, कोई जानी या माली नुकसान नहीं, इलाके में तलाशी कार्रवाइयां। जम्मू व कश्मीर के आवाम के हकूक की बहाली के लिए मुत्तहिद और पुरज़म है डॉक्टर फारूक, हक की आवाज़ बुलंद करने पर कदगन, जब तक हम अल्लाह की रस्सी को मिलजुल कर थाम लेंगे तब तक हम सबको अल्लाह कामयाब करेगा। बन कमीशन की असेंबली नशस्तों के हवाले से सिफारिशात सामने आने के बाद सूबे जम्मू सियासत का मरकज बन गया, तमाम बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने अवामी राबते शुरू कर दिए। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्वामीविता स्कीम का इफ्तिताह किया। लुधियाना धमाकों के बीच गैर मुल्की एजेंसियां, वाकई में ड्रग माफिया और खालिस्तान का भी हाथ, DGP पंजाब। नए साल की तकरीबात मनाने पर पाबंदियां आयद, दुनिया भर में 2000 से ज्यादा परवाज मनसूख। वजीर अजम ने हर तबके के लोगों की सेहत के लिए काम किया, कोविड के खिलाफ जंग में मोदी सफ़े अव्वल पर रहे अब्बास नकवी। सोशल मीडिया ने भारत से कराची पहुंचने वाली खातून को 40 साल बाद खानदान से मिलवा दिया। ताज़ा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग समेत दीगर सियाहती मुकामात पर सयाहों का भारी रश, नए साल की तकरीबात मनाने के लिए तैयारियां जोर पर, इमसाल सयाहों की खासी तादाद की आमद मुतवक्का। अब मौसम पर होगी बात। बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और बैजन मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद सर्दी की लहर में शिद्दत, वादी के बेशतर इलाकों में शाबाना दर्जे हरारत मनफी में रिकॉर्ड, कई अहम शहरों भी बर्फ के बाद बंद। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मजमी तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान, सर्दियों में इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमिया। इसी के साथ ही आज की इवनिंग बुलेटिन यहीं पर इख्तिताम होती है। दीजिए अपने मेज़बान माजिद सलाम को इजाज़त। अल्लाह निकेबान।